ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की कुंडली लेकर आया हूँ। इनका जन्म प्रयागराज में हुआ और इनका जन्म बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इन्होंने लगभग 17 साल जो है शासन किया। इनका जन्म हुआ था 14 नवंबर 1889 में और इनकी मृत्यु 27 मई 1964 में हुई। आइए देखते हैं ऐसे क्या योग थे कुंडली में जिस कारण ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो देखेंगे इनकी जन्म कुंडली। ये है इनकी जन्म कुंडली, कर्क लग्न की जन्म कुंडली है। चंद्रमा अपने ही घर में बैठे, चंद्र कुंडली और लग्न कुंडली दोनों एक है। इस कारण इनका व्यक्तित्व काफी अच्छा बना, क्योंकि चंद्रमा अपने ही घर में बैठे, शनि धन भाव में बैठे हुए हैं और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, गुरु की नौमी दृष्टि पड़ रही है। धन भाव में गुरु जहाँ जहाँ दृष्टि डालते हैं उसको अच्छा कर देते हैं, इसलिए गुरु की नौमी दृष्टि धन भाव में पड़ रही। पराक्रम की बात करें तो पराक्रम में मंगल बैठे हुए, मंगल ही पराक्रम के कारक होते हैं। पराक्रम भी इनका अनुभव और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट इनका चतुर्थ भाव सुख सुविधा भूमि माता मकान का ये जो घर है, ये इसमें शुक्र स्वर क्षेत्री है तुला राशि में। और बुध यहाँ पे देखिए लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, शुक्र और बुध की योग की। शुक्र स्वक्षेत्री है इसलिए ये भाव काफी अच्छा हो गया। विद्या की बात करें तो सूर्य बैठे हुए हैं विद्या भाव मंगल के घर में। बात करते रोग ऋण शत्रु की, गुरु अपने ही घर में बैठे हुए हैं इसलिए ये भाव भी क्या है और केतु उच्च के हैं, तो गुरु के कारण ये भाव ठीक ठाक है। बात करते हैं इनके सप्तम भाव की। सप्तम भाव के स्वामी चंद्रमा यहाँ बैठे हुए धन भाव में और अष्टम भाव के भी धन भाव में, लेकिन अष्टम भाव में सीधे सीधे अपनी पूर्ण दृष्टि से शनि अपने ही घर को देख रहे हैं। शनि की पूर्ण दृष्टि अपने ही घर में पड़ रही है। और बात करते हैं इनके भाग्य की, तो भाग्य में देखिए मीन राशि है, मीन राशि के स्वामी गुरु अब यहाँ विपरीत राज्य अपने ही घर में बैठ के जो है विपरीत राज्य। बात करते हैं कर्म, कर्म देखिए कर्म के स्वामी मंगल है, मंगल यहाँ पराक्रम के घर में बैठ के आठवीं दृष्टि से अपने ही घर को देख रहे हैं। पराक्रम के कारण इनका कर्म हो रहा अपने ही घर में, मंगल के कारण, मंगल पराक्रम कारण मंगल की दृष्टि पड़ रही अपने ही घर में, ये बहुत बड़ा योग बन रहा है। इस मंगल ने इनको राज कराया, इतने बड़े पद पे लाए। बात करते हैं इनके साथ साथ देखिए गुरु की भी दृष्टि पड़ रही है, गुरु की पांचवी दृष्टि पड़ रही है इनके कर्म भाव में, मंगल और गुरु की दृष्टि पड़ रही है। और बात करते हैं लाभ भाव की, तो लाभ भाव में देखिए लाभ भाव के समय शुक्र केंद्र में बैठे हुए हैं, सूर्य की दृष्टि पड़ रही है और विदेश भाव में देखिए राहु उच्च के बैठे हुए हैं। तो इनकी कुंडली में ये सारे योग जो विशेष योग के इसमें सबसे ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट था, चंद्रमा स्वक्षेत्री होना, मंगल का अपने घर में दृष्टि कर्म भाव में, शनि की अपने घर में दृष्टि, गुरु अपने ही घर में बैठने में के कारण और राहु केतु का उच्च होना, इतने सारे ग्रहों का जो है विशेष होना, इस कारण ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। तो इस टाइप के योग जो थे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, जिसे हम चाचा नेहरू जी भी कहते हैं, इनकी कुंडली में बने। तो दोस्तों, आप भी अपनी कुंडली का एनालिसिस कर सकते हैं कि कौन से योग आपकी कुंडली में कौन से ग्रह अच्छे बैठे हैं जिसके कारण आप अपना कार्यक्षेत्र चुन सकें। इसके लिए दोस्तों
मुझे डेट ऑफ बर्थ, टाइम और सब डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस सेंड करें ताकि मैं आपकी कुंडली का एनालिसिस कर सकूं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद दोस्तों।